ये आ गए हैं जी मेरे खूबसूरत से दूल्हा। The most special surprise ever. Finally. आज ये तो गजब ढा रहे थे माशाल्लाह। Finally. लेकिन मैं बहुत खुश था और खुश था, मैं खुश हूँ गाइस बहुत ज्यादा। ये जो मैंने सिखाया ना इनको कवरिंग करना, हमें प्लीज देखे माशाल्लाह जरूर बोलेगा। बिल्कुल बिल्कुल ओके, मजाक नहीं, सीरियस वाला एक मोमेंटम था वो अब एंड हो चुका है। ठीक है, बहुत ज्यादा सीरियस थे, सीरियस क्या बिल्कुल नर्वस हो गए थे, लेकिन मतलब फाइनली हो गया, हुसैन ने कर दिया है, मतलब मना लिया है सबको, क्या ही बात है। गाइस मैं बता नहीं सकती कि इस वक्त फीलिंग्स कैसी हैं, मैं नहीं मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। नहीं बताया ना, ये भी क्यों बता दी। सो यहाँ पे हुसैन और मेरी रस्म जो है वो स्टार्ट हो चुकी थी, और आप लोग को पता है कोई भी इस तरह का इवेंट हो, चाहे ढोल की हो, बात पक्की हो, तो रस्म जो है वो हमेशा से मस्ट होती है। और सबसे पहले जो है वो घर के बुजुर्ग आते हैं, जैसे कि मेरी दादी, उन्होंने की, फिर मेरे खूबसूरत प्यारे प्यारे से भाई बैठ गए थे यहाँ पे। हुसैन के साले हुसैन को बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, कह रहे थे कि पूरी मिठाई खाओ, और हुसैन कह रहे थे कि पहले रबीका खाएगी तो फिर मैं खाऊंगा, तो इसी बात पे प्यारी सी नोक झोंक चल रही थी। लेकिन ये मोमेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल था। यहाँ पर जो है अम्मी आके बैठी थी, मेरी सास, और इन्होंने जो है वो पूरी रस्म वगैरह की, फिर हार वगैरह पहनाते हैं। यहाँ पे सारी रस्में जो हैं वो पूरे तरीके से निभाई जा रही थी, फूलों का पूरा गहना बनवाया हुआ था वो पहनाया, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक स्पेशल रस्म है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। बहुत मिक्स फीलिंग्स थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। यहाँ पे मेरे ससुराल वाले वन बाय वन रस्म कर रहे थे, सारी फैमिलीज आ रही थी। एक और बेहद हसीन रस्म थी जो कि थी दुपट्टा पहनाने की, और ये रस्म हमारे यहाँ बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, तो दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, जिस पर लिखा हुआ था हुसैन की रबीका है, माशाल्लाह। तो जी आपको मेरा आज का व्लॉग कैसे लगा अगर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे जितने भी इंगेजमेंट्स हो या तो कोई ऐसी अच्छी सी खबर मैं आपके सामने ला सकूं, और आप मेरी वीडियो को खूब देखकर एंजॉय भी कर सकें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हुसैन तारिक और रबीका एक दूसरे के साथ कैसे लग रहे हैं। मैं